सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सुबह आई है, शाम भी आएगी, आज आया है कल भी आएगा, दुख आया है सुख भी आएगा, कुदरत की चिंता कुदरत पर ही छोड़ दे, हे मानव तू चाह कर भी बदल नहीं सकता इस दस्तूर को, फिर क्यों कल की फिक्र में आज को बदलने पर तुला है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। आज का पंचांग 5 नवंबर 2023 दिन रविवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 3:18 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र सुबह 10:29 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:19 से 5:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:46 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कन्या राशि 5 नवंबर 2023 दिन रविवार, आज आप लोगों से मिलने के मूड में हैं और क्लबों व अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी तैयार हैं। आप स्वयं को भाग्यशाली और चुलबुला महसूस कर रहे हैं। आप अभी अच्छे मूड में हैं इसीलिए नेटवर्किंग करना ना भूलें। आपके द्वारा बनाए गए कनेक्शन भविष्य में सहायक होंगे। अपने क्षितिज का विस्तार और नए लोगों के साथ बातचीत आपके सफल होने का एक मौका है। लोगों से सामाजिक और भावनात्मक रूप से बातें करें। याद रखें कि यह सब मनुष्य के नैतिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अतीत पर ध्यान मत दो, अपने मन और वर्तमान पल में केंद्रित करो। आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा और आपको किसी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहना है। आपको कई दिशाओं में सक्रिय रहना पड़ेगा लेकिन सकारात्मक बने रहेंगे। अपने ऊर्जा एवं वास्तविकता से परिपूर्ण सार्थक योजनाएं पेश करेंगे। अपनों को भी इनमें शामिल करें। आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगा। जिंदगी की ओर एक उदार रवैया अपनाएं। अपने हालात की शिकायत करने और उसे लेकर दुखी होने से कुछ साहसिक नहीं होने वाला। यह ज्यादा मांगने वाली सोच जीवन की सुगंध को खत्म कर देती है और संतोष जीवन के आशा का गला घोट देती है। जो लोग टैक्स चोरी करते हैं आज वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि टैक्स की चोरी ना करें। बुजुर्ग रिश्तेदार अपनी बेजा मांगों से आपको परेशान कर सकते हैं। अपने प्रिय को समझने की कोशिश करें, नहीं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। व्यवसायियों के लिए अच्छा दिन है क्योंकि उन्हें अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। किसी भी स्थिति में आपको अपनी समय का ख्याल रखना चाहिए। याद रखें अगर समय की कदर नहीं करेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलखिलाते हैं, लेकिन आज जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण गतिविधियों में व्यतीत करने से आपको रोजमर्रा के तनाव से राहत मिलेगी और आप में आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ अपनी नई कार्य प्रणाली में जुट जाएंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में आज सफलता भी मिलेगी। नए लोगों के साथ जुड़े रहने से प्रसन्नता मिलेगी। अपेक्षा से अधिक खर्च होने की संभावना है। चिंताओं से बचे, काम की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जिन कामों से आप जुड़े हैं केवल उनके बारे में विचार करें। काम संबंधित आ रहे बदलावों को अपनाना होगा। पार्टनर से एक दूसरे को खुश कर सकते हैं। सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। सावधानियां, आपकी जरा से लापरवाही बहुत अधिक नुकसान का कारण बन सकती है। खास तौर पर पेपर या लेन देन संबंधित कोई भी करते समय अलर्ट रहें। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना आप पर ही निर्भर करता है। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय लक पूरी तरह से आपके साथ है। जहां आपको काम में सफलता मिलेगी वही रिश्तेदार भी आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। आपके साथी के लिए तो आपका आकर्षण और करिश्मा ही काफी है। आपका आज का व्यस्त कार्यक्रम आपको अपने पार्टनर से दूर रखेगा, लेकिन एक कार्ड से या आई लव यू का छोटा सा मैसेज भेजकर आप अपने प्यार को व्यक्त कर सकते हैं।
अपने दोस्तों की संख्या को बढ़ाएं और नए लोगों से बातचीत करें। अपने आप को उदास महसूस ना करें, क्योंकि प्रेम की वो मुलाकात उस तरह से नहीं रही जिस तरह से आपने इस बारे में सोचा था। इस रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए, शायद आप अपने साथी के दिल को अभी समझ नहीं पाई हैं। आपके साथी का दिल सोने का है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बात को साबित करेगी। हालांकि दोनों तरफ से एक अंतरंग मुठभेड़ की इच्छा दोनों तरफ से जागृत हो सकती है। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मधुर रहेंगे, घर में भी सुख शांति रहेगी, परंतु प्रेम संबंधों को मर्यादित रखना अति आवश्यक है। बात करते हैं करियर की। आज आप एक आमंत्रक की भूमिका में रहेंगे, इसीलिए एक मेजबान की जगह एक आयोजक की भूमिका में रहें। आप दोनों ही मामलों में अच्छी राशि पाएंगे, परंतु एक आयोजक की भूमिका लाभप्रद होगी। यह आपकी जन्मजात क्षमताओं में से एक है, सिर्फ आप इसकी पहचान नहीं कर पाए थे। आज धन के आकर्षण से बचें और अपने कौशल के प्रति पूरी तरह से ईमानदार व तर्कसंगत रहें। कोई भी काम करने से पहले योजना बना लें और अच्छे से विचार करने के बाद ही उसकी शुरुआत करें। कड़े परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। आज ठगी न बने और बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें। अपने क्षितिज का विस्तार करने और नई चीजों पर विचार करके सफलता हासिल करने का यह अच्छा समय है। लोगों से मिलते जुलते समय खुद के प्रति ईमानदार रहें। लोग आपके बारे में आपको वो सिखा सकते हैं जो आप खुद के बारे में नहीं जानते। व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय बहुत ही अनुकूल है, इसलिए भरपूर आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। साझेदारी से जुड़े व्यवसाय में बहुत अधिक सावधानी, आपसे संबंधों में गलतफहमी न उत्पन्न होने दें। आज चिंता और परेशानी दूर हो सकती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी आस्था और रुचि आपके व्यक्तित्व को और अधिक सकारात्मक बनाएगी। गलत कामों से दूर रहें, परेशानी हो सकती है, उधार के पैसे वापस आने की संभावना कम है, इसीलिए झूठे वादों से दूर रहें। कठिन से कठिन काम कड़ी मेहनत से पूरा हो सकता है, मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलेगी। चुनौती स्वीकार करने से आपको जीत मिलेगी। नकारात्मक परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखें, आप खुद को भी सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। बात करते हैं सेहत की। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी लचीली है और इसी कारण आप पहले कई बार अस्वास्थ्यकर खाना भी खाते रहे हैं। वास्तव में अब आपके शारीरिक गठन को भी जोखिम है, आपको अपने खान पान की आदतें सुधारनी होगी। असल में आज अपने खाने में लंबे बड़े समय तक के लिए कुछ बहुत जरूरी बदलाव लाने का बिल्कुल सही समय है। आज का उपाय, आज यह बरगद के पेड़ की पूजा करें और दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।